साकिया के यहाँ तो पहुंच गए हम। से हाय टू माय व्यूअर्स। अरे मस्त यार, मतलब 2 मिनट में ना। चलो भैया कॉफी पीने में तो हो गया लेट। ओनली 10 मिनट्स। गाड़ी कर दी है पार्क, अब चलो फटाफट टिकट लेना भाई, वापस से शुरू का 5 मिनट ना छूट जाए। ये पहुंच गए हम आइनॉक्स। पठान का यहाँ तो लगा हुआ है पोस्टर। वो मेरे हेयरड्रेसर के साथ मुझे सलून भी जाना है यार। Hey guys, welcome back to the channel, welcome back to my new vlog. तो आज हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने। आप लोगों को तो थंबनेल से पता लग ही गया होगा, तो इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज मूवी देखेंगे। एंड मेरा ये दाढ़ी वाड़ी बनवाना है, बहुत टाइम हो गया नहीं बनवाया। एंड उसके बाद फिर अपना लैपटॉप लेने जाएंगे, क्योंकि लैपटॉप ख़राब हो चुका है और नया लेना पड़ेगा, तो एक लैपटॉप भी उठाएंगे। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली मैक उठाएंगे, क्योंकि मैक पर मैंने काम नहीं किया है और अपने काम के लिए मैक की ज़रूरत है। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, गौरव साकिया भी आ रहा है, तो हम दोनों सबसे पहले तो पठान मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद रिव्यू बताऊंगा कि कैसा है मूवी। चलो सो गाइस, जा रहे हैं हम कार से, गौरव साकिया को भी हमें पिकअप करना पड़ेगा, तो सबसे पहले चलते हैं उसको पिकअप करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं थिएटर। तो लेट्स गो। हम लोग मूवी देखने वाले हैं आईमैक्स में, तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक बार अवतार हम लोग आईमैक्स में देख चुके हैं। अगर आप लोगों को भी हमारे साथ मूवी देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @official रवि कौशल, वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, और ब्लॉग अकाउंट भी रवि कौशल ब्लॉग के नाम से बना रखा है मैंने अलग, तो दोनों अकाउंट फॉलो कर लो। दोनों जगह आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्ट करो गाइस, कनेक्ट करो, लेट्स टॉक एंड डिसाइड। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज चलो पहुँचते हैं मेरे गौरव साकिया के यहाँ। मुंबई में गाड़ी चलाना इज लाइक कि चला ही क्यों रहे हो, एक जगह खड़ा होने के बाद फिर तो यार आधा आधा घंटा रुकना पड़ता है। गौरव साकिया के यहाँ तो पहुँच गए हम, गौरव भी आ ही रहे। से हाय टू माय व्यूअर्स। कैमरा लगा, हाय। हम व्लॉग कर रहे हैं आज, स्टार्ट किया। तो आगे जाके हमें यू टर्न मारना पड़ेगा ना भाई। यू टर्न मारना। कितना कितना टाइम बचा है? 10 बज रहा है अभी। कॉफी पी सकते हैं ना जाके? पी सकते हैं ना? पी तो सकते ही है। अरे डीएन नगर से यार इधर से सिर्फ 10 मिनट में यार। डीएन नगर से इधर 10 मिनट? हां, और 20 रुपए मात्र किराया। तो वर्सोवा तक होगा ना डायरेक्ट? नहीं, वर्सोवा डीएन नगर से चेंज करना पड़ेगा ना, लाइन अलग है। चेंज करके मतलब 15 मिनट में तुम वर्सोवा पहुंचोगे। गोरेगांव से वर्सोवा मत 15 मिनट में 30 रुपीज। आज चाय वाले के तुम दुकान के सामने रोकूंगा। चलो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से थिएटर। yes. चलो भैया कॉफ़ी पीने में तो हो गया लेट, अब निकला जाए फटाफट एंड चेकअप हो जाए, उसके बाद फिर निकलते हैं यार फटाफट। अभी टिकट भी नहीं लिया ना हमने, टिकट काउंटर पे ट्राई करते हैं। चलो काउंटर पे टिकट लेना है, उसके बाद देखना है। ऑलरेडी कितना बज गया है? 10:25। 10 मिनट है। 10 मिनट है बट ओनली 10 मिनट्स। सो चलो फटाफट चलते हैं अब थिएटर में। गाड़ी कर दी है पार्क, अब चलो फटाफट टिकट लेना है भाई। इन ऑर्बिट आईमैक्स फिर से देखते हैं, आईमैक्स में ही सही लगेगा। आईमैक्स फिर से हम लोग, हाँ एक बार आईमैक्स में देख लिया, अब दूसरे में देखने का मन नहीं कर रहा, मिनिमम आईमैक्स तो चाहिए अपने को। चलो फटाफट चलते हैं ऊपर। 10:35 से शुरू है और अभी बज रहा है 10:30 तो होने वाला है, 10:25-28 तो हो ही गया। वापस से शुरू का 5 मिनट ना छूट जाए, उसी का डर रहता है हमेशा, हम लोग का छूट जाता कुछ ना कुछ। तो अभी कोशिश करेंगे फटाफट हो जाए, हो सकता है। चलो ये पहुंच गए हम आइनॉक्स। भाई टिकट ले रहा है, उसके बाद चलते हैं सीधे थिएटर में। पहुंच तो गए हम आइनॉक्स।
पठान का यहाँ तो लगा हुआ है पोस्टर। चलो भैया सीट पे चलो फटाफट, नहीं तो फिर 5 मिनट छूट जाएगा। शुरू का बच गया, चलो जल्दी। अब वनवास खत्म, टाइम पे थिएटर घर लौटने का वक्त आ गया है। अभी कौन हो तुम? ट्रेलर चल रहा है का असली बेटा। पठान चालू होगा उसके बाद देखते हैं, कौन आते हैं आगे। 25 साल से लग रहा है कि उनका बेटा है, ये कौन है? जिंदा है। तो गाइस अभी हुआ है इंटरवल, अभी तक तो बढ़िया ही लगा मूवी, नहीं बढ़िया था? तुमको कैसा लग रहा है बताओ? क्या मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो मतलब बहुत कुछ देख रहा था, मतलब साउंड देख रहा था, लोकेशंस, शॉट्स, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट्स भी लिए गए हैं, वैसे रिग वगैरह यूज किया हुआ है। नहीं ये बगल वाला रिग वगैरह यूज किया है, और एक जो गायरोस्कोपिक पूरा टर्निंग शॉट्स था वो ऐसा लग रहा था स्क्रीन में जैसे हम खुद उसके साथ घूम रहे हो। कुछ शॉट बहुत अच्छे यूज किए हैं, सिनेमाटोग्राफी तो अच्छी है, बढ़िया है, साउंड भी अच्छा ही है, काफ़ी लाउड मिक्स भी है, BGM काफ़ी लाउड किया है जो कि सिनेमेटिकली फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जॉन अब्राहम परफॉर्मेंस, जॉन अब्राहम का फैन हूँ मैं। शाहरुख खान का तो ऑफकोर्स, देविका पादुकोण मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती, बट एनीवेज उसको डाल दिया है तो क्या कर सकते हैं। बट हम तो शाहरुख और जॉन को देखने आए थे, और सुनने में तो आया है कि सलमान भाई भी हैं। हाँ, देखते हैं कैसा इंटरव्यू है। अभी बाकी अभी इंटरवल टाइगर अभी मिलता है। हाँ अभी इंटरवल है, तो अभी इसके बाद चलते हैं आगे की मूवी, देखते हैं कैसा एंड इम्प्रेशन कैसा रहता है। चलो बाल कटवा रहे हो? नहीं सर, सिर्फ शैम्पू। तो गाइस फाइनली मूवी खत्म हो चुकी है, हम बाहर आ गए। कैसा लगा मूवी? मेरे को तो ठीक लगा भाई, मुझे अच्छा लगा यार, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मूवी में। हाँ मतलब एंटरटेनमेंट था, एंटरटेनमेंट तो है, VFX थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट ठीक है, ठीक है, पहले के जो मूवी था उससे तो बेटर ही है। अपना कार कहाँ लगाया हमने? मूवी है, मुझे तो चला, मुझे जॉन अब्राहम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। जॉन अब्राहम था भाई, जॉन अब्राहम ने फोड़ डाला फोड़। फिर सलमान खान भी आके थोड़ा उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक। चलो भैया पार्किंग में आ गए कार के पास, अब यहाँ से निकला जाए। मुझे सलून भी जाना है यार, तो यहाँ से देखते हैं हेयर ड्रेसर को कॉल करके, अगर वो फ्री हुआ तो उधर भी जाएंगे। चलो तो गाइस गौरव भी चला गया और मैं निकलता हूँ अभी घर, क्योंकि हेयर ड्रेसर को फ़ोन किया था, अभी वो बिज़ी है, तो 1-2 घंटे बाद का टाइम दिया है उसने। तो अभी चलते हैं घर, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे बाल ठीक कराने। तो गाइस आ गया मैं घर, और चलो अभी थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं अपना, मतलब लंच कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फ़ोन करके निकलेंगे अपना सलून, ताकि अपना शक्ल वक्ल ठीक करूँ। देख लो कितना अजीब सा लग रहा है, दाढ़ी भी बढ़ चुका है, बाल बाल भी मैं बढ़ा रहा था, बाल भी अजीब सा हो रखा है, तो आज ठीक कराएंगे सब। चलो पहुंच गया मैं घर, अब चलो फटाफट नहाते हैं एंड फ्रेश हो जाते हैं, लैपटॉप लेने भी जा रहे हैं। तो गाइस ये अगला
अगला दिन है। कल मैं लैपटॉप लेकर के शाम को आ गया था और देखा ही आपने, मैंने अनबॉक्सिंग भी वहीं पे कर दिया था। तो एनीवेज M2 चिप वाला मैकबुक एयर ले लिया मैंने, तो अच्छा ही है लैपटॉप, बाकी काम करके उसको पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस है एंड ऑल। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल अपनी और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। गाड़ी एवरेज 8-9 निकाल पा रहा हूँ मैं अभी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस सही हो गया ना? कैसा लग रहा तुम्हें? मुझे कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं लग रहा ना, नूब जैसा नूब जैसा तो नहीं लग रहा अब? नहीं, पहले भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था ना। मैं ध्यान देता था ना अपने में, लेकिन मैं भी अभी खतरनाक हो गया हूँ।